मध्य प्रदेश के सागर शहर के बीचों बीच परकोटा इलाके में अचानक यहां के रहवासियों ने मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया और लोग सड़कों पर आ गए। वजह थी कि शहर के बीचों बीच पुराने बस स्टैंड से परकोटा तक स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण में लोगों पाइपलाइन तोड़ दी गई और जब इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज रहवासियों से परकोटा मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक इलाके के लोगों ने सड़क को बंद कर दिया और स्मार्ट सिटी के कार्यों का जमकर विरोध किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। दरअसल सागर में स्मार्ट सिटी ने विकास के नाम पर शहर की क्या दुर्दशा की है, यह तो शायद शहर की जनता बखूबी जानती होगी और अब स्मार्ट सिटी के इन विकास कार्यों का सड़कों पर भी खुलकर विरोध सामने आया है। जी हाँ, शहर बीचों बीच पुराने बस स्टैंड से लेकर परकोटा तक स्मार्ट सिटी द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 4 दिन पहले खुदाई में यहां सड़क के नीचे डली करीब 50 से 60 रहवासियों पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। शिकायत के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज सुबह परकोटा और लजपतपुरा वार्ड के रहवासियों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। रहवासियों का कहना है कि बीते 4 दिन पहले सड़क निर्माण के चलते उनके करीब 50 से 60 नालों की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके चलते 4 दिनों से उनके घरों में पानी नहीं पहुंचा है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वही शिकायत के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया और स्मार्ट सिटी और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं चक्का जाम के दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, इससे लोगों ने और जमकर नाराजगी दिखाई। बहरहाल सागर में जगह जगह स्मार्ट सिटी ने विकास के नाम जो काम किए उनका अब सड़कों पर खुलकर विरोध सामने आ रहा है। निवेदन किया था मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक अखिल कुमार कि भाई साहब आप रोड बना रहे हो, अच्छी बात है डॉक्टर, लेकिन आप जी लाइन जो आप तोड़ फोड़ कर रहे हो इससे वार्ड की जनता को परेशानी होगी और गर्मी में वैसे ही लोगों को प्यार मतलब लोग परेशानी की बहुत पानी की काफी परेशानी रहती, तो आप जैसी लाइन तोड़ रहे हो वैसी जोड़ देना। लेकिन उसने कहा वो तो बस कुछ बोलते नहीं है, वो अपना काम करता है, अपनी मनमानी कर रहे हैं जी, अपने तरीके से मतलब मनमानी तरीके से लाइन तोड़ रहे हैं, जनता को परेशानी हो या कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब है। प्रशासनिक अधिकारी से बात नहीं हुई? प्रशासनिक अधिकारी से यहाँ के वार्ड पार्षद से बात हुई, उन्होंने निगम को फोन किया कि आप तत्काल यहाँ पे आइए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई अधिकारी इधर पर इधर नहीं पहुँचा है। कितना समय हो गया? 2 घंटे हो गए हम लोगों को। ये लाजपतपुरा वार्ड के और परकोटा वार्ड के कुछ निवासी हैं जिनकी ये नौ मंदिर के पास में पाइपलाइन से जो कनेक्शन थे मेन पाइपलाइन से उससे स्मार्ट सिटी का जो काम लगा हुआ है उसके तहत कल मैंने स्वयं यहाँ पे खड़े होके कि यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो मैंने स्वयं यहाँ पे खड़े होके कल शाम को अपने सामने यहाँ पे जेसीबी चलवाई थी। उसके बाद पता नहीं शाम को उसने किस तरह से जेसीबी चलाई कि करीब 70 से 80 कनेक्शन टूट गए हैं, जिसके विरोध में आज यहाँ पे बाढ़ के लोगों ने चक्का जाम किया। मुझे इस बात की सूचना प्राप्त हुई थी, मैं तत्काल यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैंने तुरंत निगम आयुक्त से भी दूरभाष के माध्यम से बात की है, लेकिन उनका जवाब ये मिला है मुझे कि मैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर हर कहीं नहीं जा सकता हूँ, आप अपने स्तर पर निपटा लीजिए। मैंने अपनी टीम भेज दी है, लेकिन यहाँ पर जो चक्का जाम कर रहे हैं लोग उनका कहना है करीब 2 घंटे से हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन ना तो एक भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे आया है और ना ही कोई भी टीम यहाँ पर आई हुई है। यहाँ के लोगों की मांग है कि जो पाइपलाइन टूटी है वो नल कनेक्शन जोड़ दिए जाएं, जिससे करीब 5 दिन से करीब 70-80 घरों में पानी नहीं आया है, उन घरों में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँचा जा सके। मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम बाढ़ के लोगों से बात कर रहे हैं, मेरी जनप्रतिनिधियों से भी बात चल रही है और जो भी निर्णय होगा तो बाढ़ के लोग ही करेंगे। पार्षद जी भाजपा का
लाइन डाली जाए। जिला मंत्री हूँ भाजपा, मेरे मेरे वार्ड में एक मिनट 10-25 कलेक्शन है। 10-25 कलेक्शन होने के बाद भी 50 कलेक्शन है, और 50 कलेक्शन के कारण हजारों आदमी पानी के लिए त्रस्त हो रहे हैं, और स्मार्ट सिटी वालों ने लाइन लाइन तोड़ दी है। बताओ, 4-5 दिन से नल नहीं आए हैं, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमारे वार्ड के लोग सब परेशान हो रहे हैं, मैदा बहने सब परेशान हो रहे हैं। बताओ, हम लोग ये नहीं करेंगे क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं हमारी जो पाइपलाइन वगैरह है सब सुधारें, और मान लो जिन्होंने ये गलती की है उसको उस पर कार्रवाई की जाए, कानून। अगर मांगे नहीं हुई पूरी, मांगे नहीं हुई, मां बताओ, आमरण करेंगे, धरना देंगे, आमरण करेंगे। भाई चलिए।